हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं बंटी सर आज आपके लिए डीसी मोटर का फिर एक पैनल डायग्राम लेकर आया हूं। इस पैनल डायग्राम में हमारे पास सीरीज मोटर है डीसी का सीरीज मोटर जो होता है उस मोटर में आउटपुट में दो टर्मिनल निकलेंगे या फिर चार निकलेंगे। आउटपुट में दो टर्मिनल और या फिर चार टर्मिनल निकलेंगे। यदि आउटपुट में चार टर्मिनल निकले हैं तो आर्मेचर का दो और शंट सीरीज फील्ड का दो, ठीक है। आप ये डायग्राम बना रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार डायग्राम पे फोकस करना है, ठीक है। ये देखिए मेरा आर्मेचर है, ये कार्बन ब्रश, ठीक है, और ये मेरा मोटे तार का कंटेंस संत सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड जो होता है ये हमारा सीरीज में होगा, ठीक है। सीरीज में टेंडर क्या है, थोड़ा सीरीज में लगाएंगे, इसके सीरीज में रहेगा। आर्मेचर के सीरीज दो सप्लाई मेरे यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे फेज न्यूट्रल डीसी का, तो मेरा मोटर ये चालू हो जाएगा। तो उसे वही डायग्राम हम यहाँ पर बना के रखे हुए, ठीक है। अब उसका स्टार्टर डीसी मोटर सीरीज जो है वो स्टार्टर करने के लिए टू पॉइंट स्टार्टर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, टू पॉइंट स्टार्टर का। तो हम अब ये सारा चीज नया आ रहा है इसमें, इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हुए हैं डीसी मोटर का संड का पैनल डायग्राम, उसमें आप देखिएगा कि हमने डीपीएमसीबी भी लिया था, ब्रिज गाइड भी लिया था, रेक्टिफायर, और ये हमारा वोल्ट मीटर, ये इंडिकेटर, ये एम्पियर मीटर, और नया इसमें दो है मेरा, उसमें 2.3 था, ये 2 है, और ये हमारा सीरीज मोटर हो गया, ठीक है। उसका इंटरनल डायग्राम है, ये मेरा पैनल का पूरा डायग्राम है। आप इसका कनेक्शन हमको करना है, ठीक है। कनेक्शन तो डायोड के बारे में ब्रिज पिछले बारे बताया था, फिर हम बता रहे हैं ब्रिज बनाना कैसे आसान तरीका, बार बार बता रहे हैं ब्रिज बनाना आप सीख जाएंगे जरूर। पहले क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। इतना काम तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आओ हमको यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे नेगेटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव का, ठीक है। यहाँ पे हम एसी सप्लाई यहाँ ही देना है और यहाँ देना है एसी सप्लाई, यहाँ फेज देते हैं तो यहाँ न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। ये मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए थून बन जाए, इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लिए। और यहाँ पे हमको सेम वो आना चाहिए, इसको हम इस तरह कर लेंगे, देख रहे ना। सेम चीज ये बना हुआ है, ये बन गया बॉक्स बनाने में कितना साल हो गया बनाने के लिए। यदि हम एक एक करके बनाए तो हो सकता है कि मुझे प्रश्न है, डायोड देखिए बनावट ऐसा होता है उसका, ठीक है। डायोड का जो बनावट होता है वो ऐसा होता है, दिखने में आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसको यदि हम बनाते हैं तो इसको यहां जोड़ना होगा, इसमें यहां जोड़ना होगा, ठीक है। ये इसमें मिल जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा, तो परेशानी लगता है। इसी चीज को इस तरह में कर दे तो आसान हो गया, ठीक है। डायट को हम यहां वोल्ट मीटर कहा लगता है, ध्यान रखे पैनल करम में। एम्पियर आपका इंडिकेटर कहा लगता है, पैनल करम में। एम्पियर मीटर सीरीज करम में। इतना काम हमको पता, हम कनेक्शन करने के लिए और बढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए फेज है, ये मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। ये सप्लाई इसमें कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल, इसमें कर दिया फेज, ठीक है। और ये सप्लाई को हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये गलत है, यहाँ पे नहीं जुटेगा। ये आपका एसी सप्लाई निकल रहा है ना, एसी सप्लाई हमेशा प्लस माइनस, डायोड का मान लिया प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है ये तो माइनस है, तो हम यहाँ पे इसको इन करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है यहां इन हो जाएगा, ठीक है। अब आउटपुट में मेरा ये डीसी का वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका पहचान हम बताया था, इसका जो मिडिल होगा पतला होगा, या फिर उसमें दोनों सिंबल होंगे या फिर डीसी का सिंबल होगा, तीन तरीका। सबसे आसान तरीका उसको निडिल से पकड़ लेंगे, डीसी का एम्पियर मीटर हो या वोल्ट मीटर हो, उसका जो निडिल होगा आपका पतला होगा। डीसी का जो मीटर होता है फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी
नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इन कर सकते हैं फेज, ये सब लाइन को हम लोग क्रॉस करके यहाँ से इन करा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद देखने में खराब ना, कलर चौक का इस्तेमाल किए इसी कारण से ताकि देखने में आप लोगों को आसान हो। अब यहाँ पे तो दोनों आ गया, ठीक है। अब ये सप्लाई हमारे इंडिकेटर पे जाएगा, हम इंडिकेटर पे इस माध्यम से भी कर सकते हैं और ऊपर से निकाल के हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। इंडिकेटर तक पहुंच गया सप्लाई, अब इंडिकेटर से हमको एम्पियर मीटर में पहुंचाना है, तो एम्पियर मीटर में हम यहाँ से एम्पियर मीटर में इन कर, ठीक है। अब एम्पियर मीटर से सप्लाई हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, टूपुना स्टार्टर में एक सप्लाई हो जाएगा और दूसरा सप्लाई मेरा मीटर में चला जाएगा। एक सप्लाई यहाँ जो आपने रुका हुआ है वो हमारा मोटर का टर्मिनल में जाएगा, संट स्विच मोटर है, स्विच मोटर का एक टर्मिनल में मेरा यहाँ पे नाम हम देते हैं, इसका नाम होगा SE1, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा SE1, SE2, इसका नाम हो जाएगा A1, इसका कर सकते हैं A2 या मीटर, हो गया। ये सबका नाम दे दिए, यहाँ कनेक्शन किया हुआ है मेरा सीरीज में, यहाँ पे अलग टर्मिनल सीरीज में मेरा किया हुआ है, मुझे आसान है। ए वाला ए में जोड़ देते हैं, जुट गया सीरीज वन को हम लोग इसमें ले आए, ठीक है, जिससे मेरा कनेक्शन पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, हम जैसे इसको ऑन करेंगे मेरा सप्लाई वोल्टेज बताना चालू कर देगा, इंडिकेट करेगा, एम्पियर में नहीं बताएगा कि तो मोटर मेरा वर्क नहीं कर रहा। अब टूपुना स्टार्टर में मेरा हैंडल होता है, हैंडल से हम स्टार्ट करेंगे, मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, मेरा एम्पियर ये बताना चालू, स्टार्टिंग एम्पियर जो मेरा होगा वह देख लेगा, मेरा एम्पियर मेंटेन हो जाएगा, इस प्रकार मेरा मोटर चलना चालू हो जाएगा। ये मेरा आज का जो क्लास था डीसी मोटर का पैनल के ऊपर था, ठीक है, वो सीरीज पैनल के, इससे पहले जो हम क्लास लिए थे वो आपका संट का पैनल के ऊपर था, ठीक है। टोटल 17 पैनल के बारे में हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे, जिससे 17 पैनल मेरा समाप्त हो जाएगा। आज मैं डीसी मोटर से स्टार्ट किया हूँ दूसरा पैनल लेके, इसका मैं नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर से कनेक्ट करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है, कंपाउंड मोटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो क्लास होगा कंपाउंड मोटर के बाद फिर जनरेटर में चलेंगे, ठीक है, ये मोटर चल रहा है फिर जनरेटर चलेंगे, इस तरह मेरा 3-6 मेरा जिससे से मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा, धन्यवाद।